बात ऐसी है कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो या किसी उद्योगपति के ऊपर अगर कोई प्रश्न पूछता है तो बीजेपी के पेट में बहुत दर्द होता है, फिर अनाप शनाप आरोप कर लेते हैं। महुआ मोइत्रा सांसद है टीएमसी, बहुत ही जुझारू नेता है टीएमसी, पूरे देश में उनका नाम है, लड़ने वाली महिला है, नेता है, उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश है। लेकिन मैं महुआ जी को पहचानता हूं, ऐसे आरोप से वो पीछे हटने वाली नहीं है। सबको बदनाम करते हैं लोग, ये लोगों का बदनामी करने का कारखाना लगा है, फैक्ट्री लगी है, हमारे ऊपर भी आरोप होते हैं, सबके ऊपर आरोप कर रहे हैं लोग। आप देखो कितने दूध के धूले हैं, आप किसे पैसे से आपकी पार्टी, हाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला आ रहा है सामने, पीएम केयर फंड के बारे में बोलिए आप, हाँ राहुल गांधी ने जो आपसे 10 सवाल पूछे हैं पैसे के लेन देन के बारे में आपके पार्टी को, आप उसको उसका जवाब दीजिए। जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके आप अपने अपोजिशन को नेस्तनाबूद करना चाहते हो इस प्रकार के गंदे आरोप करके, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। 2024 में आप सत्ता पर नहीं आ रहे हैं और इंडिया अलायंस सत्ता पर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।